ये जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री की, जो कि क्लास 10 के साइंस स्टूडेंट्स के सिलेबस से ऐसा न्यूज़ आइटम आया है कि हटाई गई है, तो ये एक कंसर्न तो ज़रूर है उन बच्चों के लिए, उन 5 करोड़ बच्चों के लिए जिन्होंने आगे जाके और हायर एजुकेशन में जाना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताती है साइंस का कि कैसे कैसे एलिमेंट्स वगैरह का जो है डिस्कवरी हुआ और कौन कौन से उसमें स्लॉट्स जो थे नहीं मिल रहे थे एलिमेंट्स, और जो कि साइंटिस्ट ने बताया कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट और इस जो भी इनके सिस्टम थे उसके हिसाब से कुछ वेकेंट पोजिशन थी, और उन्होंने कहा इस टाइप के एलिमेंट ज़रूर मिलेंगे और वो मिल गए बाद में। तो ये एक अच्छा माइंड को और जो है एनर्जाइज करती है साइंटिस्ट की जो थॉट प्रोसेस को। तो उन बच्चों के लिए, उन 5 करोड़ बच्चों के लिए जिन्होंने आगे जाके हायर स्टडीज़ करनी है और थिंकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, उनके लिए ये आवश्यक है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि जो बाकी के 120 करोड़ बच्चे हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन में नहीं जाना, जिन्होंने आपके जो बाकी जो जॉब्स हैं उनको शोल्डर करना है, तो उनको तो बेसिक लिटरेसी स्ट्रीम ज़रूर दे देना चाहिए। तो जैसे मैंने दूसरी वीडियो में सजेस्ट किया था कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है वो मेन स्ट्रीम में उसको रखा जाए, जो 5 करोड़ 10 करोड़ लोग जो उसको लेंगे और वो आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन बाकी के जो 120 करोड़ बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ एक लिटरेसी स्ट्रीम, एक एडिशनल जनरल लिटरेसी स्ट्रीम के नाम से ऐड ऑन कर दिया जाए। उसके अंदर उनको बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश और बेसिक लोकल लैंग्वेज हम पढ़ाएंगे, और जैसे सुबह की प्रेयर होगी उसके बाद वो फर्स्ट क्लास उनकी जो है मॉरल वैल्यू स्टोरीज़ होगी, और सेकंड क्लास में उनको छोटी छोटी एजुकेशन वीडियोस दिखाई जाएंगी, जैसे जो है अबाउट द ट्रैफिक, अबाउट द सिस्टम ऑफ म्यूनिसपैलिटी, अबाउट द बेसिक हाइजीन, अबाउट द ह्यूमन बॉडी, जो भी इस टाइप की चीज़ें जो एजुकेशन में जो ज़रूरत है, बेसिक लॉज, बेसिक डूज एंड डोंट्स, बेसिक डिजीज़, तो बेसिक इंडियन स्टेट्स, उनके बारे में थोड़ा। तो ये जो चीज़ें हैं हम वीडियोस के फॉर्म में उनको सेकंड क्लास में हम पढ़ाएंगे। थर्ड क्लास में फिर वो आउटडोर गेम्स हो जाएंगी, उनको रेसिंग होगी, 100 मीटर रेस में सबको कराया जाएगा, तो वहीं से पता लग जाएगा कि कौन 12 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 16 सेकंड के बच्चे हमने तैयार कर दिए, वहीं हमें पता लग जाएगा। वर्ल्ड चैम्पियन स्कूल के अंदर ही पता लग जाएगा जब हम उनकी क्लॉक करेंगे टाइमिंग, तो उससे वो बबच्चे बड़े खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो ये 3 क्लास लंच से पहले हो जाएंगी। लंच के बाद जो है 5वीं क्लास, जो 4थी क्लास होगी उसमें हम जो है उनको जो है जो बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ्स करा सकते हैं, और फिर जो 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 5वीं क्लास होगी उसके अंदर जो है हम म्यूज़िकल हम चीज़ें करा सकते हैं, म्यूज़िक है, आर्ट है, डांस है, वो हम करा सकते हैं, और लास्ट का जो है वो योगा और मेडिटेशन। तो ये हम 6 क्लासेस उनको जनरल स्ट्रीम में हम ऐड कर दें, और जनरल स्कूल्स हम बना दें कि भी ये जनरल स्ट्रीम स्कूल्स हैं जिसमें हम 120 करोड़ लोगों को जिनको हायर एजुकेशन में नहीं जाना और NEP की जो पॉलिसी की जो जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, और ये बच्चे अपने 10th और 12th पास करके और एक जागरूक नागरिक बनेंगे, मॉरल वैल्यूज़ वाले होंगे और ये ह्यूमन बनेंगे, उनके अंदर हम पैट्रियोटिक भावनाएँ डालेंगे स्टोरीज़ के थ्रू और टास्क के थ्रू, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हम इनसे निकालेंगे, आर्टिस्ट निकालेंगे, अच्छे ह्यूमंस बनाएंगे। और अब देखिए, अब जो है जो सफाई वालाज हैं, जो फार्म वर्कर्स हैं, जो जो रिक्शा वालाज हैं, ऑटो वालाज हैं, ढाबा वर्कर्स हैं, कूलीज हैं, जो कोरियर वाले हैं, जो पेट्रोल पंप अटेंडेंट्स हैं, जो डोमेस्टिक मेड्स हैं, या जो रिमोट्स में और वैसे अदरवाइज जो बेसिक हाउस वाइफ्स हैं, अब उनको ये जो पीरियोडिक टेबल वाला उनके 10th में, उनके 9th में डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको मेन NEP के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेन NEP जो आगे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर से 10th के अंदर जरूर इसको डालना चाहिए, वापस डाल देना चाहिए। तो 2 स्ट्रीम हमें बनाने चाहिए ये एजुकेशन सिस्टम में, 1 होगा मेन स्ट्रीम NEP स्ट्रीम, और दूसरा होगा जनरल लिटरेसी स्ट्रीम जो हमें ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसमें जैसे मैंने बताया 6 क्लासेज होंगी, और ये जो 6 क्लासेज होंगी ये तो आपके समझ लीजिए कि मंडे, वेंसडे और सैटरडे, तो ये 6 होंगी, और ट्यूसडे
और थर्सडे और फ्राइडे को हम जो है, और इसमें से तीन पीरियड हम रिप्लेस करेंगे, जिसके अंदर एक पीरियड होगा बेसिक हिंदी का, एक बेसिक इंग्लिश, एक बेसिक अर्थमेटिक, और उसी तरह से हम बेसिक जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी बीजीडी में हम रिप्लेस करके हम टाइम टेबल में डाल सकते हैं। तो इस ढंग से हम और पीरियड्स जो है अल्टरनेट डेज में, ये तीन दिन जो है, तीन दिन तो ये 6 के 6 चलेंगे और बाकी तीन दिन हम जो है, जैसे मान लीजिए कि जिस दिन म्यूज़िक की क्लास है उसमें हमने बेसिक हिंदी कर दी जो म्यूज़िक वाली क्लास में है, और जो जो आपके जो यानी बेसिक मॉरल वैल्यू स्टोरीज और वीडियोस और जो जिमनास्टिक, ये तो तीन ही चलेंगे, और बाकी के जो तीन क्लास हैं उनको हम उन दिनों में उनसे रिप्लेस कर सकते हैं, बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश, पब्लिक लोकल लैंग्वेज एंड बेसिक अर्थमेटिक, वो हम पढ़ाएंगे, जिससे कि जो 120 करोड़ लोग हैं वो लिटरेट होंगे और स्कूल ड्रॉप आउट ख़त्म हो जाएंगे और सब बच्चे जो है 10th और 12th पास करके बेसिक अच्छे नागरिक बनेंगे और लिटरेट बनेंगे। तो हमें इसको लिटरेसी स्ट्रीम बनाना चाहिए, और NEP की जो स्ट्रीम है वो एज इट इज़ उन बच्चों के लिए चलेगी, 10 करोड़ बच्चों के लिए जिन्होंने हायर एजुकेशन में जाना है, वो NEP इज़ गुड। उसके अंदर उन्होंने जो भी चीज़ें इंट्रोड्यूस किए हैं बेसिकली वो उन्हीं 10 करोड़ लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगी और रहनी चाहिए जिन्होंने हायर एजुकेशन में जाना है, लॉयर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, डॉक्टर्स बनना है, साइंटिस्ट बनना है, MBA बनना है, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बनना है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना है, एग्रीकल्चरिस्ट बनना है, जो भी अच्छे इस टाइप के उन्होंने बनने हैं वो उसमें जाएँ। लेकिन जो आर्म फोर्स सिपाहीज हैं और जो मान लीजिए जो रिक्शा वालाज हैं, सफाई वालाज हैं, सब्जी वालाज हैं, जो लोकल वेंडर्स हैं, पैटी शॉपकीपर्स हैं, पैटी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक मेड्स हैं, तो इन लोगों को तो ये ट्रिग्नोमेट्री और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ये लॉज ऑफ मोशन, ये जो चीज़ें 8वीं 9वीं 10वीं में जो डाली गई हैं, चाहे वो NEP पॉलिसी के अंदर जितना मर्जी हमने कर ली, पर बेसिकली वो उनके लिए नहीं है, उनके लिए अलग स्ट्रीम ही डेवलप करने ही अच्छा रहेगा। और जो लोग मेन स्ट्रीम में जाना चाहें वो जाएं, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। क्लास 6 ऑनवर्ड्स और 2 स्ट्रीम में ऑप्शन दी जाएगी, मेन स्ट्रीम और एक जनरल लिटरेसी स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम होगा NEP पॉलिसी वाला और नया स्ट्रीम इंट्रोड्यूस होगा जनरल लिटरेसी स्ट्रीम। तो जो उसमें जाना चाहे वो उसमें जाएगा, 10th और 12th करने के बाद बेसिक नागरिक बनेंगे हम, उनको जो है ट्रैफिक के रूल बनाएंगे, सब चीज़ें बनाएंगे जैसे मैंने बताया, और उसके आर्ट है, म्यूज़िक है, गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, उन्हीं में से हम बढ़िया बढ़िया चेस प्लेयर्स बनवाएंगे, है ना, उस तो वो बच्चे फिट महसूस करेंगे। और वो जो रेसिंग होगी 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर रेस, उसके अंदर कोई एक्सपेंसिस भी नहीं है, उसके अंदर सब बच्चों को डालेंगे हम, जिमनास्टिक्स में डालेंगे, तो अच्छे से अच्छे इसमें बच्चे हम तैयार करेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा रहेगा, इस पर विचार करना चाहिए। तो मैं अपना ईमेल ID शेयर करता हूँ, skjainial@yahoo.co.in। I will repeat, skjainial@yahoo.co.in, skjainial@yahoo.co.in। आप इस पे मुझसे शेयर करें तो मैं अपने टाइम में डेली मिडिल बोर्ड का सेकंड पोजीशन होल्डर रहा हूँ, तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैंने बहुत थॉरली बुक्स भी लिखी है, हाउ टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन विदाउट फियर एंड स्ट्रेस, एक छोटी सी बुकलेट है जो अमेजन KDP में भी है, अगर आप ये टाइटल डालें तो। जो बच्चों को स्ट्रेस रहता है, अच्छे इवन जो टॉपर्स भी होते हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई का जो मेथड है वो स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली टीचर्स के लेवल पे और इवन पेरेंट्स के लेवल पे सही ढंग से नहीं बताया जा रहा है, नहीं तो उसमें कंस्ट्रेंट्स हैं, तो सब बच्चे अपने अपने ढंग से पढ़ते हैं तो वो स्ट्रेस में रहते हैं, और तो उससे पेरेंट्स भी स्ट्रेस में रहते हैं, टीचर्स भी स्ट्रेस में रहते हैं एग्जामिनेशन के दिनों में स्पेशली। तो इस बुक के अंदर कैसे हमें सारी चीज़ें लेट डाउन करके, लिस्टिंग करके, और कैसे हमें जो है उसको प्रायोरिटाइज करके और अप टू बना के कि अप टू 4 PM आई एम गोइंग टू फिनिश दिस, अप टू 8 PM आई एम गोइंग टू फिनिश दिस प्लस दिस, इस ढंग से उसमें बताया गया है। तो बाकी मैंने जैसे मेल दिया है, आप अपने स्कूल में ऑडिटोरियम में मेरा एक 1 आवर लेक्चर यदि आप ये चाहें तो मेरे से टाई अप कर लें, मुझे ऑर्गेनाइज कर लें, और मैं आपके ऑडिटोरियम में जो भी 200-400-500 बच्चे ये सब बैठेंगे
या इवन इंडिविजुअल क्लासेस में, तो वन आवर लेक्चर्स के अंदर ये वाला जो मैं कॉन्सेप्ट है, इवन पेरेंट्स भी बैठे, टीचर्स भी बैठे, और मोदी जी के जैसे मन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो मन की बात में इस बारे में भी काफ़ी एम्फसाइज करते हैं, तो मैंने उनको भी भेजा है, तो वो भी आपसे मन की बात में इस चीज़ को जैसे ठीक समझेंगे शेयर कर लेंगे। तो मेन आइडिया ये है कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस ना रहे, और बच्चों के लिए जो भी हम चीज़ हम दें उनको यूज़फुल रहे। जो मेन स्ट्रीम में बच्चे जाएं वो आगे की चीज़ें संभालें, वो मेन स्ट्रीम है, और जिन बच्चों ने सर्विसेज देनी है उनको मेन स्ट्रीम वाला सिलेबस पढ़ाने की से उनको ऊपर अननेसेसरी लोड आता है, उनका इंटरेस्ट ख़त्म होता है। तो जो उनके अंदर जो बेसिक जो टैलेंट है, अगर वो म्यूज़िक है, आर्ट है, गेम्स हैं, राइटिंग है, सिंगिंग है, और अच्छा नागरिक बनना है उन्होंने, फिर सर्विसेज तो देखो हमें चाहिए चाहिए, हमें सफाई वाले भी चाहिए, हमें सब्जी वाले भी चाहिए, हमें जो है फैक्ट्री वर्कर्स भी चाहिए, हमें आर्म फोर्स सिपाहीज भी चाहिए, हमें फार्म वर्कर्स भी चाहिए, तो ये सब हमें पोर्टर्स भी चाहिए, हमें पेट्रोल पम्प अटेंडेंट भी चाहिए, हमें कोरियर्स भी चाहिए, डिलीवरीज भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए। तो उनको ये बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड लॉज ऑफ मोशन और ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये पढ़ा के 8वीं 9वीं 10वीं में उनको ज्योमेट्री में के एंगल ऑफ 22.5 डिग्रीज, अब ये जो चीज़ है वो 6th-7th के अंदर है, तो बच्चों पे इसमें स्ट्रेस आता है। जब उन्होंने अगर ये सर्विसेज में ही जाना है, मेन हायर स्ट्रीम में नहीं जाना है, तो उनको तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें ही पढ़ानी चाहिए जो उनके लिए यूज़फुल हों। मॉरल वैल्यू स्टोरीज़ हैं, अच्छी अच्छी वीडियोज़ के थ्रू स्टोरीज़ हैं, वीडियोज़ के थ्रू जानकारीज़ हैं, अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, मैं उसमें हेल्प करूँगा आपको, ये सब वीडियोज़ बनवा दूँगा अच्छी अच्छी, जिसमें उनको सब जानकारी मिलेगी सब्सिडीज़ के बारे में, म्यूनसिपैलिटी के बारे में, हॉस्पिटल्स का सिस्टम क्या है, रेलवे का सिस्टम क्या है। वो बच्चों को स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाया जाता तो बाद में उनको डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो हम ये छोटी छोटी वीडियोज़ बना के 20-20 मिनट की उसमें सब जानकारियाँ दे देंगे, हम सिटीज़ के बारे में जानकारियाँ दे देंगे, अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस, टूरिज्म प्लेसेस के बारे में जानकारियाँ दे देंगे, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानकारियाँ दे देंगे, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के फ्रेमवर्क के बारे में जानकारियाँ दे देंगे, तो ये सब उनको हम एक जागरूक नागरिक बना देंगे। तो इसमें NCERT के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो परख वाले भी हैं सब इस बारे में जरूर बैठेंगे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंसिडेंटली 120 करोड़ जो बाकी जो बच्चे जिनको हायर एजुकेशन में नहीं जाना है उनके लिए जो NOP ये पॉलिसीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव शायद नहीं बन पाएगी, उनके लिए ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत है, और एक पैरेलल स्ट्रीम हमें ऐड ऑन जरूर कर देना चाहिए, और इस बारे में जल्दी से जल्दी और हायर लेवल पे मीटिंग करें, और अगर मुझे बुलाएं तो मुझे खुशी होगी, मुझे एसोसिएट करें, एजुकेशन के फील्ड में मैं आपका बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, और मैं बेसिकली BTEC मैकेनिकल हूं, जैसे मैंने बताया डेली मिडिल बोर्ड का टॉपर रहा हूं, डेली का 2nd पोजीशन थी मेरी, और बाद में फिर इंजीनियरिंग की फिर मैंने, और एज ए ट्रेनर मैं रिटायर हुआ हूं एयरलाइंस इंजीनियरिंग में, मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, तो बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको इस बारे में हेल्प असिस्ट और गाइड कर पाऊँगा, तो आप मुझे ज़रूर एसोसिएट करें इसमें। और मेरा मिशन ऑफ लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट अब लिविंग लॉन्गर इज़ ओनली दिस, टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी फॉर बेटरमेंट टिल माई लास्ट ब्रेथ, सो प्लीज़ मेक ए यूज़ ऑफ माई एक्सपीरियंस, माई व्यूज़, and you are all good people, want to do good things, and whatever new points come the way we must work upon them and add on and improve the systems, that is how the things have come to this stage with improvements. Thank you, all the best.